लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। परवाणु में डेंगू को लेकर विभाग ने दिखाई सख्ती, 90 उद्योगों को किया नोटिस जारी। परवाणु औद्योगिक नगरी परवाणु में फैले डेंगू के चलते स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दो दिन से सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। वीरवार को विभाग की टीम ने 90 ऐसे उद्योगों व रिहायशी मकानों को नोटिस जारी किए हैं जो कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मापदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई इस सख्ती का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पिछले हफ्ते रोजाना बड़ी तादाद में लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं, अब यह आंकड़ा धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। वीरवार को ESI परवाणु में 13 डेंगू के मरीज रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 10 हरियाणा के कालका से हैं, जबकि महज 3 मामले ही परवाणु के हैं। स्वास्थ्य विभाग सक्रिय, परवाणु में फैल रहे डेंगू के चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी सख्ती से सक्रिय हो गया है। पहले जागरूकता अभियान व लोगों से फ्रेंडली होकर डेंगू से लड़ने वाला स्वास्थ्य विभाग अब लोगों के घरों तक पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहा है। वीरवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 71 औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा 707 रिहायशी मकानों का निरीक्षण किया। इनका निरीक्षण करने के बाद टीम ने 90 नोटिस जारी किए हैं, जिनमें 57 औद्योगिक इकाइयां व 33 रिहायशी घर शामिल हैं। नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा ने बताया कि पिछले 10 दिन से नब की टीम अपने एरिया के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों, जिनमें टकसाल पंचायत के गांव शामिल हैं, में फोगिंग व स्प्रे कर रही है। इस पर रोजाना 10,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, जिसे नगर परिषद परवाणु स्वयं उठा रही है।